उत्तराखंड के काशीपुर में आज से 6 दिवसीय प्रथम यूथ नेशनल T10 क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज हुआ, जहां रामनगर रोड स्थित स्थानीय स्पोर्ट स्टेडियम में शुरू हुआ। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अरविंद पांडे ने इस मौके पर कहा कि T10 के आयोजन को लेकर आयोजकों को बधाई दी। इस स्टेडियम के स्थानीय विधायक ने कहा कि हरभजन सिंह चीमा की बात टालना उनके लिए संभव नहीं है। उन्होंने स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा से शहर के 10 किलोमीटर दूर जमीन उपलब्ध कराए जाने की बात कही। में जो आज आयोजन किया गया है, उत्तराखंड के प्रबंधक हिमांशु जी है और भी आविष्कार पटेल जी पार्टिसिपेट। यहाँ पर 16 टीमें की होगी और 16 टीमों की नेशनल होगी। आगे की हमारी इंटरनेशनल टूर है बांग्लादेश की और हम इंटरनेशनल लेवल तक ले जाकर प्रतिभा को और निखारेंगे और अपना अपना प्रतिभा को लोग उजागर करेंगे। खेल विभाग का दिन बहुत रहेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। आप लोग निश्चिंत रहिए कि मैं आप लोग के इलाके का बच्चा हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, तो ये मेरा अपना घर है और इन हालातों को मैं निश्चित ठीक करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि इसके लिए यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं हरभजन सिंह चीमा जी सदैव मेरे पीछे लगे रहते हैं, बल्कि मेरे पिता तुल्य हैं, मुझे कहते रहते हैं और उनके वचन टालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और काशीपुर स्टेडियम बहुत अच्छा बनेगा, बल्कि मैंने तो यहाँ के स्थानीय विधायक जी से निवेदन किया है कि वो कहीं यहाँ, क्योंकि ये क्षेत्र आबादी में आ चुका है, यहाँ स्टेडियम ये प्रॉपर चल नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आपने बड़ा इवेंट रखा है यहाँ, तो बड़ा इवेंट होते ही आपका ट्रैफिक से शहर जाम हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि अलग हटके, मेन रोड से अलग हटके, 5-7-10 किलोमीटर अलग हटके, आप हमें जमीन की नई व्यवस्था कराइए, मैं प्रॉपर आपको नेशनल स्तर का स्टेडियम दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है।